और उससे बाहर दुर्गेश ने शाम को धार दबा दिया और यहाँ पे हेलो और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है मनोज बाली और देखने में भी चाहे बहुत बड़े लगते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। और पहला रेड उंगली की तरफ से खैरागढ़ की तरफ से दुर्गेश नेताम, इनको देखे होंगे अपने साथ टीवी पर भी, इनकी ब्रो कबड्डी में यूपी वगैरह से खेलते हैं, एक नंबर में हाइड करने के लिए लंबे के काठी के रेडर हैं। एक नंबर में अब टच का दावा कर रहे हैं इस बार कवर पे, अच्छा टच लगा है और मंगेले को भी खाता खुला है। स्कोर 1-1 दोनों टीमों का। छह नंबर पर बहुत ही फुर्तीले रेडर हैं, कल के मुकाबले जो खेल रहे थे इतनी तेजी के साथ खेल रहे थे और इस बार अच्छा इसके प्रिय है और फिर से टाइम दिया जा रहा है। एक खिलाड़ी तो समझते हैं ही, एक का और मान किया जा रहा है। आर्यन और मनीष को बाहर जाना पड़ा, मल्टीपल रेड पॉइंट किए हैं। छह नंबर में जो रेडर आए थे बहुत ही बढ़िया अद्भुत रेडर है, फास्ट रेडर है, फिर से चलना है हर्ष रेड पर। एक नंबर में बोनस का प्रयास हुआ है फिर से चल है लंबे कद काठी के रेडर दुर्गेश नेताम, प्रो कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे थे। ये राइट कॉर्नर खेल रहे हैं विशाल, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर है, अगले मैचेस में उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे। स्कोर 3 खैरागढ़ 1 मुंगेली। खाली में वापिस सुधरना है और दुर्गेश नेता ऐसे खिलाड़ी लगातार रेड करते हैं अपनी टीम के लिए, लगातार पॉइंट बटोरते हैं।
इधर पांच का डिफेंस है, दोनों शॉट है, कटनी हो रहा है, और ये हर्ष गया है दो और डाई रेड में, इधर छह का डिफरेंस है, बोनस रन है हालांकि हर्ष के लिए। अच्छा टैकल इतना मिला, अद्भुत टैकल राज चौमसिया, छह नंबर क्रिएटर का है, चार का डिफेंस है, साइड रनर में राजा भी थे, और ये क्या हर जगह से और बिल्कुल फेंक दिए, ऐसे लगा जैसे भूसा भिंडी को फेंकते हैं हम लोग उठा के। नंबर लंबे तक काफी क्रिकेटर लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट के लिए, दीपक खारा घर चार दो मुंगेली फिर से दूर गेस नेता, और इस बार दुर्गेश ने काम को धार बना है, अच्छा काम, और एक खिलाड़ी को जैसी पुलिंग का बैटिंग दिया गया है हमारे ऑफिशियल, और इस मैच को रेफरी करा रहे हैं हमन बारी, और एक तरफ मुकेश साहू अंपायर है, एक तरफ अंपायर मुकेश साहू, एक तरफ महेश साहू खिला रहे हैं इस मैच को, पांच का इसका डिफेंस है, दीपक के हरे पर छलाम तो लगाए थे लेकिन टैकल कर लिया गया, अच्छा पकड़ बनाया है, अंपायर की डिफेंस बहुत बढ़िया बारीकी तरीके से काम करते हैं, छह नंबर में विशाल है और ट्रेडर विशाल है, और किनका विशाल का प्रदर्शन होगा ये देखा जाए, अच्छा टैकल अद्भुत टैकल, सात नंबर क्रिएटर, इधर छह का डिफेंस, बोनस ऑन है, और साथ दोनों तरफ के खिलाड़ी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं डू और डाई रेट पे खेलने का, हर चल है रेट पर, इधर से दोनों तरफ के कोर्ट में पांच पांच का डिफेंस है, बोनस दोनों तरफ है सर, तो ये रणनीतियां तैयार करने का अच्छा मौका है डू और डाई रेट का दोनों तरफ के खिलाड़ियों, सात नंबर फुल साइड चले हैं
कर ले बेटा, आधे कर्म कर ले बोनस का टेंट आया था लेकिन बोनस आया नहीं जो है शुभम के लिए। उधर पांच का डिफरेंस है, दो रेड सेव करके आए थे, ये दूसरा फाइनल है। और एक सुपर रेड, ये पांचवा मैच में आज का जो सुपर रेड देखने को मिला है, पहला सुपर रेड शुभम की तरफ से हुआ है। खैरा घर की तरफ से सब्जूशन लिया गया है, तीन नंबर के खिलाड़ी को बाहर किया गया है, पांच नंबर के खिलाड़ी को अंदर किया गया है। और आते के साथ ही डू या डायरेक्ट का कमान लिया गया है। उनके लिए सोचने समझने का कोई साधन नहीं, दूंगा डायरेक्ट है, पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक डिफेंडर एक्टिव है, अच्छा ट्रैक है, आप भले थक रहे हैं, ढोल बजाने वाले हमारे थक नहीं रहे हैं, लगातार बज रहे हैं, बजा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे कारागर ऑलआउट होते हुए पांच नंबर को बाहर किया गया है, तीन नंबर को अंदर लाया गया है। चंद्र दुर्गेश नेता लंबे हाथ के खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, और यहां पे अनुभव तो यहां पे काम कर रहा है डिफेंस का, लगातार उन्हें टैकल कर रहे थे, यहां पे अच्छा किक लगा है। ऐसे ही प्रदर्शन चाहिए का गया। इसी के साथ वो
बोनस तो मिला है लेकिन ऑल ऑफ द पॉइंट 3 पॉइंट गया है मुंगली के खाते में। एक और सब्सिट्यूशन, 7 नंबर को बाहर जाना पड़ेगा, फिर से 5 नंबर को अंदर लाया गया है, दूसरी बार 5 नंबर अंदर आया है। शुभम चल रहे रेड पर, 11 अगर 9 मुंगेली पर 20। एक बार फिर से दुर्गेश ने दाम बैठकर बोनस का अटेम्प्ट आया है, सफलतापूर्वक बोनस। इधर से भी बोनस का प्रयास हो रहा है, दोनों तरफ से रेडर यह बिल्कुल सफलतापूर्वक है, दोनों तरफ से रेडर बोनस का अटेम्प्ट ले रहा है। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्स चेंज कर लें। हाफ टाइम का अंतिम रेड है दुर्गेश ने तांबा, बोनस दे दिया गया हमें, बोनस का एक बार फिर से प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस। 12-21 का स्कोर, और ये डैश करने का गलत प्रयास। 3 नंबर के खिलाड़ी दिनेश पटेल को बाहर जाना पड़ेगा, 12-10 का स्कोर हो गया। फिर से दुर्गेश ने काम रेट पर, फिर से बोनस का प्रयास हुआ है, चिन्ह शुभम रेट पर 7 नंबर में, शुभम के लिए बोनस ऑन है, बोनस कर भी सकते हैं। पूरा 22 का स्कोर है, 9 पॉइंट से 72 मुंगेली, और वहां पे उसको किया है 2 पॉइंट ले गया है, लगातार 3 गेम किए हैं, 2 बोनस और 1 अंक प्राप्त किए हैं दुर्गेश ने। साहब 14-22 का स्कोर इसी साहब, में काफी प्रभावित किए थे लेकिन यहां पर कमाल है, अच्छा अंतर है इसका, 10 नंबर ही बिल्कुल एंकल को रेस्ट कर दिए। फिर से एक बार दुर्गेश ने ताम बेट पर, 5 का डिफरेंस कायम है, 15-22 का स्कोर, 7 पॉइंट का ही लीड बच चुका है, क्या यहां पर दुर्गेश ने ताम इस मैच को रुख बदल देंगे। और ये क्या
अपना हाथ बताएगा कितने चलेगा। बिल्कुल भारत बच्चे मंगली का स्कोर 23-15 बराबर। शुभ माहौल एकदम बोनस का प्रयास हुआ है शुभम की तरफ से। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान में लाखों की संख्या में दर्शक देख रहे हैं इस मैच को और एक पॉइंट लेके आए हैं 6 नंबर के खिलाड़ी। और एक पॉइंट का हमें पहले यहां पर दुर्गेश ने ताम को अंदर किए हैं, ये रेडर होना चाहिए, अपने एक अच्छे रेडर को अंदर किए हैं। सुनील निजात ना 16-24 का स्कोर 8 पॉइंट से 72 मुंगेली। और इस मैच में 11 मिनट शेष है इस मैच का। अच्छा रनिंग मिनट लगा है राइट कॉर्नर विशाल को यहां पर शिकार बनाया है। और इधर 7 नंबर के रेडर शोभा ना है रेड पर आंकड़ा यहां पर सिर्फ 7 का बच गया है। और एक सुपर रेड लगा है दुर्गेश दानिश्वर जहां बिल्कुल सुपर रेड है 3 रेड पॉइंट। क्या यहां पर आउट होंगे टीम 3 नंबर 4 नंबर और 7 नंबर तीनों खिलाड़ियों को बेंच का रास्ता दिखा दिए हैं। और यहां पर सचिन खिलाड़ी का हर एक पर हेमंत साहू और 2 डायरेड है इनके लिए। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस दे भी दिया गया है क्योंकि अकेला महज खिलाड़ी बच चुके हैं। ये बहुत फुर्तीले रेड है, ये सब छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या निकल जाएंगे, लेकिन यहां पर पहुंच गए राइट कॉर्नर से अच्छा शिकार इसी साफ रेड पर दिया है। स्कोर 11-23-25 मुंगेली। मैच 2 पॉइंट के ही लेट बच चुके हैं। क्या इस लीड को पार कर जाएंगे दुर्गेश नेता? लगातार 6-7 रेड किए हैं, लगातार पॉइंट निकाल दुर्गेश नेता। एक बीच में कैच खाए वो भी रिवाइवल दिला दिए उनके खिलाड़ी। यहां पर बोनस का अटेम्प्ट आया है, सफलतापूर्वक बोनस उनको मिला। अगले मैच में जितना फुर्ती के साथ खेल रहे थे, लगातार पॉइंट बटोर रहे थे, क्या इस मैच में आप करेंगे? उनको सेकंड हाफ में शांत रख रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वो कभी कभी ऐसे अच्छे रेड कर देते हैं, 3-4 रेड पॉइंट वाले रेड, वही टीम को हानि पहुंच जाती है। यहां स्कोर 25-25 कर दिए हैं दुर्गेश नेता और उनका टीम अच्छा डिफेंस भी कर रहे हैं खिलाड़ी और ये होना चाहिए। और यहां पर विशाल है बोनस प्लस 1 पॉइंट, विशाल को सर बेंच का रास्ता दिखाए हैं। शायद दुर्गेश इंतजाम कर रहे हैं कि हमारे पास आइएगा तो बेंच पे पाइएगा। और इधर शुभम बोनस का प्रयास किए थे और अच्छा बोनस
यहाँ पर निकाले हैं। खैरागढ़ 27-26 कहाँ 6-7 पॉइंट के लीड से थी टीम और एक कहाँ 1 पॉइंट से पीछे आ गए हैं। एक बार फिर से राइट कॉर्नर पे अच्छा दावा कर रहे हैं। ऐसे ही उम्मीदें लगी रहती है दुर्गेश नेताम से, क्योंकि वो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं। शुभम है डॉक्टर, लगातार शुभम विजय कर रहे हैं, पैंट बता रहे हैं सूखिया बता रहे। और एक खिलाड़ी मुकाबले जो है वह भी रोमांच का भरा हुआ मुकाबला चल रहा है हाफ टाइम के बाद। उधर 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है और रेडर ने रेडर को बाहर किया है। अच्छी राजनीतियां चेंज किया गया है। एक बहुत बड़ा रणनीति होती है कबड्डी में कि आप बेहतरीन खिलाड़ी अगर जो बाहर में आपके पास तो आप उसे इस्तेमाल करें, चेंज करें। फिर से सुबह मान है रेड कार्ड, 30-28 स्कोर, 18-28 मुंगेली। इस बार खाली हाथ वापस चार लौटेंगे कि सुबह मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट समय शेष है और यहाँ पर सुपर टैकल ऑन हो गया है मुंगेली के कोर्ट में। एक बार फिर से रैकिंग में टच लगा है कर रहा है और ये चला
सबसे भी ज्यादा चला के यहाँ पे डिफेंडर्स थे क्योंकि उनको ऑलआउट यहाँ पे करना था। दस नंबर को बाहर किया गया है। अठारह गोल को टेक्निकल पॉइंट गया है। रूल्स को फॉलो करें, ध्यान दें, अन्यथा अगली टीम को गिफ्ट मिल सकती है एक पॉइंट का, आपको वार्निंग दिया जा सकता है। बोनस का एक बार फिर से प्रयास हुआ है दुर्गेश नेताम की तरफ से। सफलतापूर्वक बोनस। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। और यहाँ पर 3 मिनट का जो अलार्म है वो आ चुका है और यहाँ पर रनिंग बोनस का प्रयास है। सुपर रेड यहां पर हर्ष ने किया है। 35-32 का स्कोर हो गया है। अभी भी 5 पॉइंट से बढ़ाते हैं। फिर से दुर्गेश नेताम बैठकर और इस मैच को समय बता दें 2.5 मिनट है। विशाल गहा देख पर विशाल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, रिट भी लगा रहे थे दूसरे
बॉलिंग शुरू कर रहे थे। Let's go.